हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हम सब जा रहे हैं पूरी। इतना अचानक से ये प्लानिंग हुआ कि देखो रिबो को ये आज ड्राइव करना पड़ेगा, वहाँ से जाके उमा को उठाना पड़ेगा। एंड कुछ तय नहीं हुआ है, जस्ट दौड़ के भाग के जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। उतर गया, मतलब भी नहीं चलती है, में तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। भगवान जी तब तक रोथ में ही थे, एक्चुअली सैटरडे गए थे हम लोग वीकेंड टूर में। एंड भगवान अभी देखो सुबह सुबह कैजुअल लेटर में है, ज्यादा कुछ सजने समझने का अभी उनको टाइम नहीं मिला है। ब्रेकफास्ट करेंगे तो ज्यादा तो भीड़ जगन्नाथ जी के वहाँ पे ही था। बोलो अश्व जी बैठे रहे थे, सुबोध जो भी थे, एक के बाद एक ड्रेस चेंज करते ही जा रहे थे। हमने देखा अच्छे से दर्शन हो गया था, एक्चुअली कारण यही था, नहीं तो पहले से ही दर्शन करके आते थे। रिबू का पैर में प्रॉब्लम है ना, वो अंदर तक नहीं जा पाएगा, बोल के हम बाहर में दर्शन करके आए हैं। बहुत अच्छा दर्शन भी हुआ, जा रहे हैं पार्टी की तरफ। दर्शन हुआ, 2 घंटा खड़ा रहा हुआ अच्छे से, प्रसाद बना के लेंगे। तो अभी हम होटल जा रहे हैं, ऐसे तो वहाँ से ही घर आ सकते थे लेकिन एक दिन रहने का मन था तो इसलिए हम एक दिन के लिए होटल बुकिंग करे हैं। क्रिस्टल बे होटल है, यहीं पे हम चेक इन करेंगे। तो चलो चेक इन करके फिर से मिलते हैं। तो हम लोगों का चेक इन हो चुका है, रूम में एंटर कर चुके हैं। थोड़ा मन दुखी हो गया था क्योंकि पार्किंग नहीं था यहाँ पे, लेकिन रूम देख के अच्छा ही लगा। तो पहले बाथरूम देख लेते हैं क्योंकि इसी के लिए तो हम अच्छा अच्छा होटल बुकिंग करते हैं। तो ये देखो बाथरूम जो है क्लीन तो था ही, ऊपर में जो शावर थे वो देख के बहुत अच्छा लगा, अच्छे से नहा पाएंगे। ठंडा पानी गर्म पानी का व्यवस्था था, शावर पैनल था एंड कपड़े रखने के लिए अलग से जगह भी थे। क्लीननेस तो बहुत ही अच्छा लगा एंड उसके साथ साथ कोलर का बेसिन भी बहुत पसंद आया मुझे। एंड शैम्पू साबुन मॉइस्चराइजर कंडीशनर सब कुछ दिए गए थे, वो भी एक अच्छी बात है। एंड कॉम्ब भी दिया गया था, 2 सोप भी दिए गए थे। चलो अभी ब्रेकफास्ट करके आते हैं, चलो फिर से। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में क्या क्या है, साउथ इंडियन कॉम्बो है। तो आ गया है खाना, यहाँ पे हमने लिया है इडली, इन्होंने मसाला डोसा, और रिबू का अभी तक नहीं आया। नाउ तुम्हारा सबसे लास्ट, मेरा भी ऑलमोस्ट चटनी जो बनाया ना ऑसम। तो ब्रेकफास्ट करके हम चले आए, देखो हम चले आए, पीछे पीछे ये लोग आए, जब हम आ रहे थे तब नहीं आए। चलो देखते हैं कौन है। पानी नहीं, पानी या चाय कॉफी देने आया था। चलो सुबह से चाय नहीं पिया, अच्छे से चाय बना के पीते हैं। आप लोगों को दिखा देते हैं इनका वार्डरोब कैसा है। वार्डरोब तो नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही है, यहाँ पे एक ड्रायर दिया गया है, ये अच्छी बात है। एक ड्रायर एक ही है जहाँ पे आप पैसा ये सब रख सकते हो, जो लोग लाते हैं। अभी का तो प्लास्टिक का ज़माना है तो कौन इतना मानी रखता है, लेकिन मानी चाहिए होता है तीर्थ स्थान में, मनी चाहिए होता है। यहाँ पे भी बहुत सारा स्पेस है, एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह और कुछ रखना है तो रख सकते हो। तो इतना ही है, छोटा सा है बट कॉम्पैक्ट है, लेकिन कुछ कुछ स्टाइल पुराने दिनों की तरह है। बाहर के खाना नॉट अलाउड एंड सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपका सी फेसिंग हमको जो मिला है, कम ही मिलता है। कम फ्रंट फेसिंग पूरा रोड के ऊपर सब कुछ दिखा दे रहा है। बहुत कम रहते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंटली आते हैं एंड इस रूम का 3 पर्सन का आपको पड़ेगा 7,900 ऐसा कुछ। तो देखो बहुत सारे लोग, पूरे बापसरे कितना भीड़ है, सब नहा रहे हैं।
लेकिन इतना गर्मी हमसे नहीं हो पाए कि हम जा पाए। एंड तबीयत का इशू तो चल ही रहा, क्या होगा पता चला। ये हो चुका है, चाय बना के पीते हैं रे भाई। आराम से असी जब होल्डिंग स्टार धोखा था भीतर हम आए हैं लंच करने, यहाँ पे कोई नहीं आया, सब घर पे ही ऑर्डर। हमारे घर पे एक जो नहीं खाएंगे तो हम यहाँ पे बैठ के खा लेते हैं। मारते हुए हम भूल गए थे कि क्या खाए, और चिकन बटर मसाला ना, चिकन बटर मसाला एंड रोटी। अच्छा ही था खाना। अभी हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे लेकिन कहीं तो जाएंगे। चलो लेट्स गो। सुबह से बैठ बैठ के बहुत टाइम खर्च हो गया, नष्ट हो गया, अभी चलते चलो। 4 बजे है अभी, चलो लेट्स गो। इसको बहुत प्रॉब्लम होता है, गाड़ी भी चलाया रास्ता भी चले तो बहुत प्रॉब्लम। इससे रास्ते से जाना पड़ता है, यही इसका माइनस पॉइंट है। लेकिन हम जब पहले आए थे तब ऐसा नहीं था, अभी यहाँ पे इतना काम हो रहा है, ऑलरेडी काम होना चालू हो गया है। यहाँ से बहुत धूप है, बाप रे बाप, इतना धूप है। 4:30 बज चुके हैं, थोड़ा तो घूम घूम के आए। रास्ता पहले पता नहीं था, पहले जो देख के गई थी यहाँ पे, अभी बहुत चेंज हो गया है। इतना तो फ्रिक्वेंटली आना नहीं होता है ना, तो चलो फिर से आज जाएंगे, देख के आएंगे क्या है। लेकिन अभी भी काम हो रहा है, ब्रिज क्यों हो रहा है, क्या होगा ना होगा पता नहीं। लेकिन पहले जब हम आए थे तब पूरा अनकोर प्लेस था, वो बहुत अच्छा लगता था। अभी भी बहुत लोग जाते हैं, पता तो है। पहले यहाँ पे फिशिंग होती थी, अभी ड्रेसिंग हो रहा था। चलो ऐसे ही हम लोग इम्प्रूव करेंगे। ए एक्सा लिख के ना देख जी, इतना रास्ता चल के जाना है, बीच बीच में जब अच्छा सिचुएशन आएगा तब क्या मेरा ऑन करेंगे। फिलहाल चल के चलते हैं। हाँ पाथर तो अभी नहीं ना, नामा जावे क्यों नहीं जा पाएंगे, जा पाएंगे। लेकिन अभी एज बढ़ चुका है, 2-3 साल बीत जाने से एज बहुत बढ़ जाता है। कभी बढ़ने से बड़ा होता है, कभी बढ़ने से हम बूढ़ा होते हैं। अभी तो बुरा हो चुके हैं, अभी बहुत मुश्किल से जाते हैं। चलो चलते हैं। पहले यहाँ से एक रास्ता था अंदर जाने का इनके बीच से, अभी वो नहीं है। हाँ, हम 2 बार या 3 बार आए थे, 3 बार से शायद आज को लेके, हाँ 4th time आ रहे हैं। एंड यहाँ पे सारे क्लोज हो गए। अरे ये तो क्लोज हो गए, जाते हो जाते बार भी ना। ये वाला ठीक ही बोले छे, ये होटल वाला क्लोज कर दी छे। हाँ होटल वाला पूरा क्लोज कर दिया, तो अभी तो हम जा नहीं पाएंगे, नहीं तो वहाँ से वहाँ तक जा सकते थे। बाबू पूरा पूरा प्लानिंग फ्लॉप, इसीलिए अक्षय लिखे ये होटल वाला पूरा रास्ता ले लिया। हाय रे, हाँ कितना सुंदर है समुद्र एंड नदी जो है मिलते हैं, इसको बोलते हैं मोहना, वहाँ से भी एक नदी होती। हाय भगवान, कैंती लगुच भल लगला। अरे सही पाख गले आवरी बढ़िया लगता। देखो वो लोग उधर चले गए हैं, उनको बुरा लग रहा है, सामने नहीं जा पाए। वहाँ से उतना सुंदर लगता है दिखने में, बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली सनसेट का टाइम। उमा को आज गोटे जगह रे नहीं कि आसली आ कौन भल रे बुल लाई पाले जा, बेकार हो गला। नदीटा एपटे भल दिसुची, एपटे नदीटा रही गला, सेपटे समुद्र रही गला, आउ दीटा जो मिसिबा पॉइंट हमें भल रे देखि पाले।
अरे केमती है गला पूरा चेंज। चलो फिर से और एक बार ट्राई करते, अच्छा लगता है यहाँ पे। अलग से अलग से এখানে তলা দিয়ে নেমে ওখান দিয়ে লাভ দিয়ে চলে যা। আচ্ছা চলতা হু, দুয়া মে ইয়াদ রাখনা। হ্যাঁ উহাঁ পে যাতে হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি ইহাঁ পে বেঠ যাও, ইহাঁ সে ফটো খিঁচ দেনা, এখান থেকে আমাদের ফটো দেবে। আল্টিমেট রাইট সাইড মে নদী মে সমুদ্র में मोहना से दोनों जहाँ पे मिलेंगे, छोटा सा एक लाइन सा है वादे मिलते हैं और दिखने में ज़्यादा सुंदर लगता है। लेकिन यहाँ पे समुंदर बहुत ब्यूटीफुल क्लीन लगता नहीं कि हाँ बे ऑफ बंगाल में आ गए हैं, ज़्यादा लोग नहाते नहीं हैं, सो क्लीननेस ज़्यादा है। एंड जो स्टार्लिंगपुरी बहुत कॉस्टली होटल स्टार्लिंगपुरी जैसे हम होके आए हैं 7,000-8,000 पर डे आफ्टर आपका सब कुछ चार्ज, मतलब डिस्काउंट विस्काउंट दे के 6,000 का भी मिलता है 2% का, तो वहाँ से ये व्यू मिलता है। लेकिन वहाँ पे करने का कुछ नहीं है, होटल में बैठो शांत एंड ये समुंदर देखो बस। Thank you.